हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। फैमिली, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में एक रीसेल फ्लैट का वीडियो लेके आया हूँ। ये सेमी फर्निश फ्लैट है। ये बिल्डिंग का नाम एनजी पैराडाइज है। ये फ्लैट प्रॉपर ईस्ट एंड वेस्ट का, ये इसका डोर फेसिंग है। ये विनय नगर मीरा रोड ईस्ट में है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं दिलीप शर्मा मुंबई से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल कीप ग्रो प्रॉपर्टी में। फैमिली, आइए पहले इसका हम लोग फ्लैट एंड लोकेशन का कुछ वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इस प्रोजेक्ट का और इस वीडियो का, फ्लैट का और लोकेशन का सारा इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस वीडियो में दूंगा। तो आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। ये रोड आपका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जाता है और ये जो रोड देख रहे हैं ये विनय नगर का रोड है जो कि अपकमिंग मेट्रो स्टेशन पे जाता है। और ये सामने जो देख रहे हैं ये एमबीएमसी गार्डन है जो कि 2.25 लाख स्क्वायर फीट में ये है। उसके जस्ट बाजू में ही ये एक रास्ता गया है जो कि सिर्फ इसी कॉम्प्लेक्स का रास्ता है। इसका नाम है एनजी पैराडाइज। ये आरएनए बिल्डर का प्रोजेक्ट है, वो सिया हुआ रीसेल फ्लैट है और हम लोग इसके अंदर ही अभी जाने वाले हैं। और यही फ्लैट अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ये एक रीसेल का फ्लैट है और सेमी फर्निश फ्लैट है जो कि काफ़ी अच्छा फ्लैट है। ये बिल्डिंग का एंट्रेंस गेट है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ से अभी आप सब देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये अभी हम लोग अंदर जाएंगे, अंदर के साइड पे ये टोटल 8 विंग का ये टावर है। इसमें 8 विंग है। इसमें सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, ए टू जेड सारी चीज़ें है। ये अपना बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स हो गया, आप देख सकते हैं 8 माले की ये टावर है टोटल। और अभी हम लोग जाने वाले हैं बिल्डिंग के अंदर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो है एक्चुअल बिल्डिंग है, देख सकते हैं। और ये इसका एंट्रेंस लॉबी है जो कि बहुत ही सुंदर एंट्रेंस लॉबी बनाया हुआ है। काफ़ी इंटीरियर किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है अच्छा खासा इसमें। ये सिक्योरिटी केबिन है और ये जो देख रहे हैं सेफ्टी गेट लगा हुआ है पहले से भी। और यहाँ पे आपको 2 लिफ्ट मिल जाता है और 1 स्टेयरकेस मिल जाता है इस बिल्डिंग के अंदर। ये हमारा पैसेज है। पर फ्लोर पे 4 फ्लैट है और ये एक्चुअल फ्लैट है। अगर दिशा की बात करूँ तो प्रॉपर ईस्ट वेस्ट फ्लैट है, ईस्ट में एंट्री करते हैं। ये इनका लिविंग एरिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। और इन्होंने हर एक बालकनी इन्होंने अंदर ले लिया है तो इनका जो फ्लैट है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बालकनी इन्होंने अंदर की तरफ ले लिया है। बिल्डिंग को ओसी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है तो आप ले सकते हैं। सेमी फर्निश फ्लैट है। आप दीवार में देखेंगे कि दीवार में जो टाइल्स लगाया हुआ है इनका, ताकि लीकेज का प्रॉब्लम या फिर कलर हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ टाइम जो कलर है वो हमको नहीं करना है यहाँ पे। ये इनका किचन है, किचन जो है ओपन किचन है, ये मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है, खुद रहते हैं, गैस पाइपलाइन भी आया हुआ है। ये इनका ड्राई एरिया है जहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन रखा हुआ है और एक एक्स्ट्रा स्पेस भी इन्होंने बनाया हुआ है सामान वामान रखने के लिए। उसके बाद भी आपको देखेंगे विंडो में जो है कपड़ा सुखाने के लिए इन लोगों ने ऑलरेडी लगाया हुआ है इसके अंदर। आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है अपने किचन के अंदर जो है प्लेटफॉर्म वगैरह जो है, और इन्होंने किचन काफ़ी बड़ा कर लिया है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे ये डाइनिंग एरिया जो इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट था, उन्होंने इसको हटा दिया अपने ज़रूरत के हिसाब से। ये इनका फर्स्ट बेडरूम है, कॉमन बेडरूम जो कि काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं इसमें एक 7x7 का बेड लगा है, एक 6x5 का बेड लगा है और एक 4x6 का बेड लगा है। फिर भी इसमें आने जाने की जो है काफ़ी स्पेस इसमें मिल जाता है। आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा इनका कलर है, कितना अच्छा इन्होंने फ्लैट को डिजाइन किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से फ्लैट को रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ही मेंटेन करके इन्होंने फ्लैट रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जो आप जगह देख रहे हैं जो वॉश बेसिन बनाई, यहाँ पर इनका कॉमन वॉशरूम था, इन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से हटा दिया उस चीज़ को। अभी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो है वॉशरूम दिया हुआ है, यहाँ पर नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए जैगवार्स फिटिंग लगा हुआ है, गीजर भी लगा हुआ है इसके अंदर, सारी फिटिंग लगा हुआ है। यहाँ पे भी जो है बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और अब जो मैं आपको दिखाऊंगा ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में इन्होंने टॉयलेट रखा हुआ है और वहाँ पे भी नहाने की स्पेस है। और आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम में इन्होंने कबर्ड बना के ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी स्पेस जो है आपका बचा दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे पूरा इन्होंने कबर्ड बना दिया है। आप एक बेड रखते हैं उसके बाद भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको बालकनी इन्होंने अंदर ले लिया है,
इन्होंने तीनों बालकनी अंदर ले लिया है, लिविंग एरिया का, बेडरूम का, दोनों बेडरूम का एंड किचन का भी। तो आपको फ्लैट के जो साइज है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इन्होंने अपने हिसाब से, उनके बच्चे स्टडी करते उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे टेबल ओवर लगा के रखे। फैमिली छोटी फैमिली है। और ये देखिए, ये टॉयलेट है जिसमें दोनों ही टॉयलेट फिटिंग्स है, वेस्टर्न भी है और इंडियन भी है। अगर आपको दोनों में से जो इस्तेमाल करना आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन करके इन्होंने फ्लैट रखा हुआ है। बहुत ही ये प्रोजेक्ट आपको ऑल बैंक से लोन अप्रूव है, OC आ चुकी है। आप किसी भी बैंक से यहाँ पर लोन ले सकते हैं। रिसेल का फ्लैट है, 10 से 12 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। काफ़ी अच्छी और काफ़ी मेंटेन ये फ्लैट है। ये इनका स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल, काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। और सामने जो देखिए हेल्थ क्लब है, इसमें जिम है इनका, जो कि काफ़ी बड़ा है। अभी कैसा कोविड के टाइम से थोड़ा सा बंद रहा है, लेकिन कैसा हर एक चीज़ मेंटेन रहती है इनकी, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है आप बिल्डिंग की कलर वगैरह देखी। ये स्टील पार्किंग है, स्टील पार्किंग में आप देख सकते हैं कि वैगनार लगने के बाद भी यहाँ पे दो बाइक लगने की भी स्पेस यहाँ पे है। प्रोजेक्ट है काफ़ी अच्छा, ये बिल्डिंग है। आप सभी आइए और फ्लैट को विजिट करें। दोस्तों, आप सभी ने तो वीडियो देखा ही होगा, फ्लैट एंड कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ही अच्छा था। इनके डेवलपर की बात करूँ तो RNA बिल्डर्स है। इनका मीरा रोड में कम से कम 50 से 60 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। बॉम्बे साइड में भी इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट है, और इनका बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी अपकमिंग है, जिसका पोजीशन देने वाले हैं। किसी का पोजीशन अभी 6 महीना 1 महीना पहले दिए हैं, और किसी का पोजीशन देने वाले हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है। तो अगर इनके प्रोजेक्ट में आपको नए प्रोजेक्ट में भी जाना होगा, इनके अंडर कंस्ट्रक्शन में भी, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये फ्लैट 2 BHK है। इसकी अगर मैं कारपेट की बात करूँ तो 680 स्क्वायर फीट कारपेट है। पर फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 लिफ्ट है और 1 स्टेयरकेस है। ये बिल्डिंग टोटल 8 माले की है। अगर इसकी फ्लैट की फेसिंग की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ईस्ट वेस्ट का फेसिंग है, डोर का फेसिंग है, और साथ में ही एक स्टील कार पार्किंग है इनका, जो कि काफ़ी बड़ा कार पार्किंग है। उसमें आप एक कार खड़े करने के बाद भी 2-3 बाइक आप उसमें आराम से लगा सकते हैं। ये बिल्डिंग टोटल 8 विंग की कॉम्प्लेक्स है और ये कॉस्मो सोसाइटी है। अगर मैं इसकी एमिनिटीज की बात करूँ तो एमिनिटीज में स्विमिंग पूल है, जिम है, किड्स प्ले एरिया है एंड सीनियर सिटीजन एरिया है, एंड ओपन कार पार्किंग का भी काफ़ी इसमें स्पेस है। काफ़ी बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है। आप जब भी आएंगे एक बार देखेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। ये प्रोजेक्ट ऑल बैंक से लोन इसमें आप ले सकते हैं। रिसेल का फ्लैट है, बिल्डिंग की OC भी है, तो आप किसी भी बैंक से यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। फैमिली, ये तो प्रोजेक्ट का और फ्लैट के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। अब मैं आपको यहाँ से कनेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा। वेजिटेबल मार्केट, स्कूल, डी मार्ट वगैरह, ये सब कितने दूरी पे आने वाला है, ये सब की मैं बात करता हूँ। वेजिटेबल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। डी मार्ट 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। GCC क्लब आपको 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। रिलायंस मॉल की बात करें या फिर किसी भी एक शॉपिंग की अगर हम बात करें, ब्रांड फैक्ट्री की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट से आपको हार्डली 5 मिनट के अंदर में आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाता है। अब स्कूल एंड कॉलेज की बात करें तो यहाँ से NL डालमिया स्कूल, GCC इंटरनेशनल स्कूल, ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल, भक्ति वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, ये सब 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। LR तिवारी कॉलेज, संत थॉमस पब्लिक स्कूल, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, सन जेवियर स्कूल, RBK स्कूल, ये सब आपको 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाता है। मीरा भाईंदर रोड की अगर बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट से महज आपको 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। वही अगर अपकमिंग मेट्रो स्टेशन की बात करूँ, जो विनयनगर में आ रहा है, वो भी आपको यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आ रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर बात करूँ तो 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। वही अगर हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई बाबा हॉस्पिटल, ऑरेंज हॉस्पिटल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, गुरु कृपा हॉस्पिटल, ये सब जितने भी हॉस्पिटल है आपको 10 से 15 मिनट में मिल जाता है। 10 से 15 मिनट में आप यहाँ पे रीच कर सकते हैं, चाहे आप बाई कार जाए या फिर बाई बाइक जाए। अगर पैदल अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 20 से 25 मिनट लगता है। मैकडोनल्ड्स, सबवे, स्टारबक्स, पिज़्ज़ा हट, KFC, डोमिनोज,
सिनेमैक्स पीवीआर की अगर मैं बात करूं तो आप यहां से 10 मिनट के दूरी पे आप पहुंच जाते हैं। बस एंड रिक्शा स्टैंड की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट से बाहर निकलते ही 1 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है मीरा रोड स्टेशन जाने के लिए, या फिर मीरा रोड के बाहर अगर आपको मलाड जाना है या थाने साइड जाना है या बॉम्बे साइड जाना है, वो सब भी बसें आपको यहाँ से मीरा बंदरा से मात्र 2 मिनट की दूरी पर है, तो वो सब भी आपको यहाँ से मिल जाता है। दोस्तों हम रीसेल, न्यू प्रोजेक्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल एंड रेट में भी डील करते हैं। अगर आपको ये सब में भी प्रॉपर्टी परचेस करना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम होम लोन भी प्रोवाइड कराते हैं जिसका हम 1 रुपया भी कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हमारा 52 बैंकों से टाइप है, ऑल बैंक, जितने भी बैंक है, चाहे वो फाइनेंस बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, सारे बैंकों से हमारा टाइप है। सारे बैंक से हम आपका लोन करा देते हैं और साथ साथ में आपको कहीं आने और जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे जो बैंकर्स है आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे पेपर कलेक्ट करना हो या फिर साइन लेना हो या फिर चेक लेना हो, हर एक चीज़ जो है आपको घर बैठे ही सारी सुविधाएं हमारे बैंकर के तरफ से भी आपको मिल जाता है। फैमिली, आपके रिलेटिव या दोस्त यार में भी किसी को अपना प्रॉपर्टी सेल करना हो या फिर बाय करना हो या फिर उनका प्रॉपर्टी रेंट पे देना हो या फिर रेंट पे लेना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसमें भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन डील करा के हम आपको दे देंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका छोटा भाई दिलीप शर्मा एक बार फिर से आएगा एक नए प्रोजेक्ट, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल किप ग्रो प्रॉपर्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई हमारे साथ काम करना चाहता है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी को मिलूंगा मेरी इस यूट्यूब चैनल किप ग्रो प्रॉपर्टी में।